अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब मज़े में होंगे क्या? आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9। 8 तक मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, अगर होती तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग ज़रूर करते, बट आपने मुझसे क्वेश्चनिंग नहीं की। इट मीन्स के आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है? चलिए, आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। कि किस मार्केट को आपने, किस सेगमेंट को आपने मार्केट के टारगेट करना है, टारगेट किस मार्केट को करना है और आपकी क्या पोजीशन है मार्केट में, किस तरह से आपने पोजीशन को मेंटेन करना है। बेसिकली इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, मैथोलॉजिकल होमोजीनियस अमेरिका इज गोन, वी आर म्यूजिक ऑफ माइनॉरिटीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। होप्स आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि मैम क्या बताना चाह रही थी इस कोटेशन को लिखने के बाद, ठीक है? चैप्टर्स के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे? एक्सप्लेन मार्केट सेगमेंट्स, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई सेवरल पॉसिबल बेसिस फॉर सेगमेंटिंग मार्केट, ठीक है, कि किस तरह से मार्केट सेगमेंटेशन है, क्या किस तरह से हम जो है सेवरल पॉसिबल बेसिस जो है मार्केट की, मार्केट सेगमेंटेशन की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिस्ट एंड डिस्टिंग्विश अमंग द रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन, ठीक है, और आपने लिस्ट प्रोवाइड करनी है और डिस्टिंग्विश मतलब फर्क among the requirements for effective segmentations, ठीक है, effective segmentations में क्या difference है और उसकी क्या requirement है उसको list down करना है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ना है? outline the process of evaluating market segmentations, ठीक है, outline the process, ठीक है, process आपको outline करना है of evaluating market segmentations, जो मार्केट सेगमेंटेशंस को इवेल्युएट करें, ठीक है, उस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ पोजीशनिंग फॉर कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ पोजीशनिंग इज डिफाइंड इन विद इलस्ट्रेशंस मीन विद एग्जांपल्स। डिस्कस चूजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, आपने डिस्कस करना है, चूज करना है और इंप्लीमेंटिंग करना है पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज को, जो आपने ऊपर कंपेटिटिव एडवांटेजेस में उसका कंसेप्ट बताया और उसको इलस्ट्रेट किया, ठीक है। ये बेसिकली आपके मेन की पॉइंट्स हैं। आप ये कह लें कि अगर आप ये पूछेंगे ना कि मैम इस चैप्टर्स में से जो लेक्चर्स दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, तो मैं हर लेक्चर्स के स्टार्ट पे आपने देखा होगा कि मैंने एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं। बेसिकली उसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि अगर आपके क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बन के आएंगे, क्वेश्चन पेपर होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो डिफरेंट किस्म की जो स्ट्रेटजीज या वर्ड यूज हों आप उनको देख के आइडेंटिफाई कर सकें कि बेसिकली आप पूछना क्या चाह रहे हैं आपसे और आप उसको क्या बताएंगे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, मतलब 5 कंसेप्ट जो बेसिकली हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अगर ये आज के लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया वेल एंड गुड, नहीं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी और फिर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्केट्स है क्या? सबसे पहले आप सबको आइडिया होगा, मैं अगर आप सबसे पूछूं कि मार्केट क्या है तो आप लोग सब कहेंगे एक ऐसी प्लेस, ठीक है, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेल एंड बाय देयर प्रोडक्ट सर्विसेज। ऐसे ही है कि आप कहेंगे एक ऐसी मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर पर बहुत बड़ी तादाद में बायर और सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल और बाय करते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो बेसिकली आप इसको कह सकते हैं मार्केट इज ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। इन अ शॉर्ट पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट क्या है, एक्चुअल और पोटेंशियल बायर है ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज का, ठीक है। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की स्टेजेस क्या क्या है? स्टेजेस का मतलब है कि मार्केट किस किस तरह की होती हैं और किस किस स्टेप से गुजर के एक जो प्रोडक्ट है वो
वो मार्केट तक पहुंचती है. ठीक है, द फर्स्ट इज दैट मैस मार्केटिंग का जो वर्ड है, मतलब जो मीनिंग है इसके वर्ड से क्लियर हो रहा है. मैस मीन्स ऑन अ लार्ज लेवल. ठीक है, कि जिसमें मैसिव अमाउंट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो होती है इंक्लूड होती हैं, और इसका मकसद क्या होता है कि लार्ज मार्केट को कवर अप करना. ठीक है, अब उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, जैसा कि सोप और डिटर्जेंट्स हो गए. ठीक है, उनकी मार्केटिंग बहुत हाई लेवल पे की जाती है मैस मार्केटिंग को कवर अप करने के लिए. उसके अलावा इसकी बेस्ट एग्जांपल है कोका कोला. ठीक है, कोका कोला ने जो उसकी कोका कोला है उसने भी लार्ज मार्केट मैसिव मार्केट को क्या किया हुआ है, अंडर कंट्रोल किया हुआ है. क्यों? क्योंकि कोका कोला या डिटर्जेंट और सोप एक ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो कि टीनएजर्स हों, यंग हों, ओल्ड एज हों, हर एक ही यूज़ किए हैं. तो इसका मतलब है ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि मैस लेवल पे प्रोड्यूस की जाती है. ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट वैरायटी मार्केटिंग. प्रोडक्ट वैरायटी मार्केटिंग मीन्स टू से कि एक ऐसी मार्केटिंग जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट को मिला के एक ही चीज़ में समो दिया जाए. जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं, वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्पेयर पार्ट्स को मिलाते हुए एक न्यू एक गाड़ी या ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट क्या करती हैं, तैयार करती हैं. इनके एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम लोग वन डिस्कस करेंगे. आप भी जब इसको डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग, तो आप क्या करें, क्योंकि मैंने नोट किया है अगर मैं आपको एग्जांपल्स नहीं देती तो आप लकीर के फकीर वाला काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं करें, आपको तो टॉपिक दिया गया है. अगर मैं स्लाइड्स पर ज़्यादा लिखती हूँ तो आप कहते हैं मैम ज़्यादा लिख रही हैं आपका ही फ़ायदा है उसमें ना. तो अगर मैं अब आज से मैंने जो स्लाइड्स हैं मैंने खुद बनाई हैं और मैंने उसमें थोड़ा मटीरियल लिखा कि मैं बोलूँगी ज़्यादा, तो फिर क्या आप इतनी देर सुन पाएंगे मुझे रिकॉर्डिंग? जैसे ही आप पेपर की तैयारी करने लगेंगे तो क्या आप दोबारा से रिकॉर्डिंग सुनेंगी? अगर लिखी हुई आपके पास चीज़ होगी, स्लाइड्स आपके पास होंगी, तो अगर आप रिकॉर्डिंग सुनने का टाइम नहीं सुन पाते तो कम अज़ कम रिटर्न फॉर्म में तो आपके पास होगा ना. ठीक है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं कम से कम मटीरियल डालूँ. ठीक है, तो अगर आपको फिर भी इशू हो तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हैं, करते हैं पूछा करें दोबारा. मुझसे मार्केटिंग के बच्चे क्वेश्चनिंग नहीं करते, और इस चीज़ से बाज़ दफ़ा तो लगता है टीचर सेटिस्फाइड है कि आपको सारा आता है, बट बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है बच्चे सीरियस नहीं ले रहे हैं. ठीक है, चलिए टारगेटिंग मार्केट. किस मार्केट को टारगेट करना है, टारगेट मार्केट क्या है? टारगेट मार्केट किसी भी चीज़ की हो सकती है. ठीक है, मीन्स टू से आपने जो प्रोडक्ट बनाई है वो किस एज की है, किस एज तक तबके की है. ठीक है, आपने किस सीजन को टारगेट किया है. ठीक है, आपने किस एज को छोड़े अब तक पुअर एवरेज या हाई लेवल को टारगेट किया है. मीन्स आपके टारगेट मार्केट क्या है, कि जो आपने प्रोडक्ट बनाई है किसी स्पेसिफिक टारगेट मार्केट के लिए है या कॉमन है. ठीक है, टारगेट मार्केट क्या है. माइक्रो मार्केटिंग एंड कस्टमाइजिंग मार्केटिंग हम एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर आपको क्लियर होंगे. ठीक है, चलिए जी, टारगेट मार्केट की मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं दी. टारगेट मार्केट में सारा कुछ आ जाता है जिसके मार्केट को आप टारगेट करना चाहते हैं. चलिए जी, मैस मार्केटिंग क्या है. मैस मार्केटिंग मैंने आपको बताया जैसे कि ऐसी मार्केटिंग जो कि हम लोग करते हैं टू कवर द लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया. ठीक है, तो इसमें हम लोग इसकी बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने आपको सोप की और डिटर्जेंट्स की दी थी. जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो क्वेश्चंस की लेंथ आप इस तरह से इंक्रीज करेंगे विद एग्जांपल्स. मैं एक एक डेफिनेशन के साथ कोशिश करती हूँ आपको दो दो तीन तीन एग्जांपल्स दे दूँ, ताकि जब आप लिखने बैठें तो आपके माइंड में इतना मटीरियल हो आप लिख ना पाए. ये ना हो कि आप कहें कि मैम हम इस चीज़ का कंसेप्ट चाहिए. ठीक है, कोका कोला इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ फर्म दैट यूजेज मैसिव मार्केटिंग टेक्निक्स. द कंपनी एम्स इट्स प्रोडक्ट एट यंग एंड ओल्ड लाइक अलाइक. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि कोका कोला हो गया, सोप और डिटर्जेंट हो गया, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो कि मैसिव अमाउंट में बनाई जाती है और मैसिव मार्केटिंग को टारगेट किया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें हर एज के जो होते हैं ह्यूमन, हर एज को ये इन्होंने टारगेट किया हुआ है, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड एज हो. इट्स गोल हैज ऑलवेज बीन टू बी एबल द मार्केट लीडर एंड इट्स बिग स्टूडेंट. द अल्टीमेट गोल ऑफ मैस मार्केटिंग इज टू अचीव मार्केट डोमिनेशन. द अल्टीमेट प्राइस ऑफ मैस मार्केटिंग इज द क्रिएशन ऑफ जेनेरिक ब्रांड्स. ठीक है, पर्पज इनका क्या होता है कि हमने एक यूनिक किस्म का जेनेरिक किस्म का ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाना है मैसिव मार्केट में. ठीक है,
नेक्स्ट है प्रोडक्ट वैरायटी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट या वैरायटी ऑफ फीचर्स को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाना, जिस प्रोडक्ट में वैरायटी ऑफ फीचर्स हों उसको कहते हैं प्रोडक्ट वैरायटी। आप एक आइटम लें उसमें वैरायटी ऑफ फीचर्स हों, कोई ऐसी एग्जांपल के एक प्रोडक्ट एक आप पकड़े एक कोई भी एक आप प्रोडक्ट पकड़ते हैं लेकिन उसकी जब आप स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो आप कहते हैं इस प्रोडक्ट को हम मल्टी टास्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन टूडे मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर बिल्ड टू कस्टमर ऑर्डर, फॉर एग्जांपल कार्स, एरोप्लेन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट ऑफर सच एज लार्ज रेंज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स दैट मिलियंस ऑफ वैराइटीज ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट आर पॉसिबल। अब आपको एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी, होप सो। कमर्शियली available software system support the automations of many aspects of the engineering process. Product databases enable the description of single product and engineering applications can use this product descriptions to carry out their task. ठीक है, जैसे कह रहे हैं commercially available software system वो क्या करते हैं, support करते हैं automobile, ठीक है, automations of many aspects, ठीक है, ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोसेस में। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन बैकएंड पे उसका जो उसमें जो वैराइटीज उसके फीचर्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर को उसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग बेसिकली है लोकल मार्केट, कि आप ऐसी प्रोडक्ट बनाएं कि जो लोकल मार्केट को टारगेट कर सकें। अगर आप देखें हमारी इकोनॉमी का अभी भी 30%, ठीक है, 20-30% जो तबका है वो ब्रांड कॉन्शियस है, बाकी कितना रह गया 70%, ठीक है, 70-80% जो है हमारा वो लोकल तबका है, लोकल मार्केट टारगेट मार्केटिंग कस्टमर्स है। तो हमारा जो एम होना चाहिए वो ना कि सिर्फ हमें स्पेसिफिक टारगेट मार्केट पर होना चाहिए, बल्कि हमें हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो माइक्रो मार्केट पे भी होना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो मैस मार्केटिंग में आए, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, ये एवरेज में भी जाती है, बिलो में भी जाती है और रिचेस में भी जाती है। बिलो मतलब चाइल्डहुड, यंग एंड ओल्ड एज, तीनों कैटेगरीज के लिए यूज होती है। इट मीन्स के माइक्रो मार्केटिंग करने के लिए हमें मैसिव मार्केटिंग को टारगेट करना चाहिए, ठीक है, सर्विंग एट ऑल नीड्स एंड वांट्स ऑफ लोकल कस्टमर ग्रुप्स, ट्रेडिंग एरियाज, नेबरहुड, इंडिविजुअल स्टोर्स एक्सेट्रा। लोकल मार्केटिंग रिफ्लेक्ट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड कॉल्ड ग्रास रूट्स मार्केटिंग, वेयर मार्केटिंग एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन गेटिंग क्लोज टू इंडिविजुअल कस्टमर, नाइक स्पॉन्सर, लोकल स्कूल स्पोर्ट्स टीम। इसको आप छोड़ दें, इसकी जगह आप एग्जांपल्स मजीद भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। कस्टमाइज मार्केट स्ट्रेटजीज का मतलब है कस्टमाइज मींस इंडिविजुअल, मार्केटिंग मींस इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ यूनिक मार्केटिंग मिक्स फॉर ईच कस्टमर इन द टारगेट सेगमेंट। ठीक है, आपने क्या करना है, यूनिक किस्म की मार्केटिंग मिक्स करनी है हर एक कस्टमर को टारगेट करते हुए। दिस अप्रोच इज कॉमन इन बिजनेस टू बिजनेस। हम लोग आप लोग ऐसे ही करते हैं ना, एक चीज़ आपके ब्रांड में है तो क्या करते हैं आप उसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफबॉय साबुन शुरू में जब आया हुआ था आपने देखा होगा कि वो सिर्फ रेड कलर का होता था, बट उसका एक फ़ायदा होता था, हम जब छोटे होते थे तो हम भी अक्सर उसको यूज़ किया करते थे। तो उसके क्या बेनिफिट होते थे कि उसकी मतलब जब स्टार्टिंग में आया तो उसने इतना टारगेट किया मार्केट को के रिचेस तक का, मिडल एज, एवरेज एज, हर कोई उसको यूज़ करता था। ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या थी, एक तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, सेकंड ये उसकी फ्रेगनेस बहुत अच्छी थी। तो जो बेहतर क्वालिटी उसकी जब आफ्टर असेसमेंट दी गई तो कहा गया कि वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, ये उसकी जो ज़्यादा प्रोमिनेंट जिसे कहते हैं ना फीचर्स था वो ये था। बट क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी फ्लेवर चेंज कर दिए गए, ठीक है, फ्रेगनेस को चेंज करने के लिए फ्लेवर्स को चेंज कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, दिस अप्रोच इज कॉमन इन बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग वेयर यूनिक प्रोग्राम और सिस्टम्स आर डिजाइन फॉर ईच एंड एवरी कस्टमर्स। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज ऐड कर दी गई, ठीक है, फिर कैटेगरीज कर दी गई, फिर टारगेट मार्केट पे फोकस किया गया कि किस
एरिया को टारगेट किया जाए और किस एरिया की बेस पे कौन से प्रोडक्ट तैयार की जाए, ब्रांड कॉन्शियस होने लग गया, ठीक है। सच वन और वन मार्केटिंग इज मोर रेयर इन कस्टमर मार्केटिंग। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, जब भी आप इसको स्टडीज ऑफ मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे तो आप इन एग्जाम्पल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में चार तरह के मार्केट सेगमेंटेशन होते हैं, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक आपको नाम से आइडिया हो रहा होगा, ऐसा सेगमेंट, ऐसा आप सेगमेंट का मतलब है तोड़ना, अलग अलग सेगमेंट बना देना, जो कि बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, कंट्री, नेशंस, उनकी बेस बनाया जाता है सेगमेंटेशन। जैसे कि हम लोग देखते हैं डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल यूनिट्स, यूनिट्स के लिहाज से, जैसे मैकडॉनल्ड की एग्जांपल्स हैं, इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की नेशन, स्टेट, रीजन, सिटीज, नेबरहुड, मतलब सबको कवर किया हुआ। जैसा कि इंडिया में पाकिस्तान में चिकन मीट को पसंद किया जाता है, हलाल समझा जाता है, तो वो चिकन मीट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंडिया में मीट को हराम समझा जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने टारगेट मार्केट करने के लिए, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन करने के लिए चिकन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बट उन्होंने वहाँ पे भी एक अपना नेम सेट कर लिया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स के जो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन है वो किसकी बेसिस की जाती है, जियोग्राफिक यूनिट्स की बेस पे। यूनिट्स मीन्स नेशन, स्टेट, रीजन, कंट्रीज, सिटीज एंड नेबरहुड, ठीक है। उसके बाद है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक मीन्स जब भी डेमोग्राफिक की बात होती है तो चार चीजें हमारे जहन में आती हैं, एज, जेंडर, इनकम एंड ऑक्यूपेशन। आप जो भी वेरिएबल्स आप सिलेक्ट करेंगे, ये सेगमेंट पार्टीशन कर रहे होंगे, तो आप देखते हैं ना कि ये जो प्रोडक्ट आपने बनाई है ये किस एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है। आप एज वाइज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किड्स के लिए चीज बनाई है तो आप एरिया सेगमेंटेशन डिसाइड करते हैं किड्स, ठीक है। बिलो एज 12 या अबव बिलो एज 18, इस तरह से आप सेगमेंट बना देते हैं। फिर आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, उसमें आप डिफरेंशिएट करते हैं, इट्स यूजफुल फॉर वुमेन और अ मैन, ठीक है। फिर आप इनकम पे डिपेंड करते हैं, देखा होगा कि ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइस एज कंपेयर टू लोकल मार्केट निच मार्केट से ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, इट्स डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। कंज्यूमर जितनी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग उस मार्केट को टारगेट करते हैं। उसके बाद है ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस के लिहाज से भी सेगमेंटेशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले पढ़ते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के बारे में। थर्ड हमारी जो है, हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन अगेन फोर तरह की होती है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियर सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन हमने पढ़ लिया, डेमोग्राफिक पढ़ लिया, अब हम पढ़ लिया साइकोग्राफिक। डिवाइडिंग बायर इंटू डिफरेंट ग्रुप्स, साइकोलॉजी, साइको से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड जब भी टर्म्स आती हैं तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, आपकी जात से रिलेटेड आती हैं। फिर सोशल क्लास, लाइफ स्टाइल क्या है आपका, अक्सर देखा होगा कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, बट वो क्या करते हैं, जैसे आप क्लास में देखें अक्सर कुछ स्टूडेंट्स होंगे मिडिल फैमिलीज के होंगे, कुछ होंगे एवरेज, कुछ होंगे बिलो एवरेज, कुछ होंगे रिच। तो क्या होगा कि अगर रिच वाले ड्रेसिंग इस तरह की करके आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो एवरेज वाले हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हम भी उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स, हम किसी को चीज़ डाल पहने में देखते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में शामिल है कि हम इनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं अगर हमें अच्छी लगे तो, ठीक है। ये साइकोलॉजी है। सोशल क्लास, क्लास पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको ड्रेसिंग एग्जांपल दी, लाइफ स्टाइल पे, जबकि बिलो एवरेज जो होता है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका मकसद क्या होता है सेगमेंट करने का, पर्सनैलिटी मोटिव्स, ठीक है। मोटिव्स क्या, इमोशनल्स, केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों की केयर करना। साइकोलॉजी सेगमेंटेशन इस तरह से की जाती है कि दूसरों की भी केयर की जाए, हर्ट ना हो बंदा, रैशनल होना चाहिए, अपील्स टू इकोनॉमी, रिलायबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी, स्टेटस रिलेटेड, कस्टमर वांट्स टू लुक अ सर्टेन वे। ये लाइफस्टाइल में क्या आ जाता है, व्हाई कंज्यूमर स्पेंड देयर टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग अराउंड देम, बिलीफ, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनकम एंड एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद है गुड डेमोग्राफिक में आ जाता है, कंबाइंड जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक ऑफ लाइफस्टाइल एंड सेगमेंट। बेसिकली साइको, साइको का मतलब ही जिसका ताल्लुक आपकी परसेप्शन से हो, आपके माइंड से हो, आपकी
पर्सनैलिटी से हो, वो आपका आता है साइकोग्राफिक नेम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली अपने फोर्थ पॉइंट की, जो कि है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में क्या होता है, बायर आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स के लिहाज से हमको बिहेवियरल के हिसाब से उनकी डिवाइड कर दिया जाता है। क्या होता है, आपने देखा होगा मार्केट में जब आप जाते हैं, फीमेल को आइडिया होगा, तो कस्टमर को पता चल जाता है। जैसे ही आप जाके शॉप पे बैठते हैं, उनको सारा दिन डील कर करके कस्टमर को देखने से ही पता चल जाता है कि ये कस्टमर इतना पे नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब वो प्राइस पूछते हैं तो उनको प्राइस एज कम्पेयर टू अदर कस्टमर वो थोड़ी अप बताते हैं, ताकि अगर ये डिस्कशंस करें या बहस करें तो एक टाइम लिमिट तक आए, लेकिन हम लोग अपनी जो कॉस्ट है कॉस्ट को बेयर कर सकें अपनी। तो वो बेसिकली जज कर रहे होते हैं, उनको नॉलेज होता है, उनके एटीट्यूड और बिहेवियर और रिस्पॉन्स को वो देख रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि बिहेवियर सेगमेंटेशन में आप क्या कर सकते हैं, आप कस्टमर की ओकेजन, यूजेज, लॉयल्टी और बेनिफिट्स के लिहाज से उनके सेगमेंट्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे बायर आर डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज की बेस पे, जैसे कि कस्टमर हम लोग बाजार गए और हमने कुछ क्लोथिंग की परचेज की, तो वो कहते हैं कि ये जो हम उनसे कहते हैं कि हमें इस तरह का क्लोथिंग चाहिए। ठीक है, इट मीन्स अगर हम इस तरह से कह रहे हैं, इट मीन्स हमें उस प्रोडक्ट के बारे में, उस क्लोथिंग के बारे में नॉलेज है, तो क्या करेंगे, वो उनको उसी हिसाब से चीज़ें दिखाएंगे। एक कस्टमर है वो कहेगा इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, उनको वो उस तरह से दिखाएंगे। जैसे कि आप कह देंगे मेट्रो के अंदर सेगमेंटेशंस कर दी गई है। ठीक है, अब कस्टमर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, जिस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज चाहिए होगी वो देखेगा आपने वो चीज़ परचेज कर लिया। ठीक है, ओके, अब ओकेजन का मतलब है कि कुछ सेगमेंटेशंस जो होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किए जाते हैं, जैसे ईद इवेंट्स के लिए किए जाते हैं। जैसे कि अब जितने भी ब्रांड्स हैं, ईद से पहले, जैसे अब रमज़ान ऑफर चल रही है, तो वो क्या करते हैं, रमज़ान में ये इस तरह के जो स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं उनमें डिस्काउंट देते हैं, स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल ओकेजंस पे जो दिए जाते हैं बेनिफिट्स। ठीक है, उसके बाद है यूजेज, आम रूटीन डेली यूज के बेनिफिट्स। उसके बाद है ब्रांड लॉयल्टी, जो कस्टमर ज़्यादा लॉयल होगा उसको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको यूफोन की एग्जाम्पल दी थी कि यूफोन ने क्या काम शुरू में शुरू किया था, जो उनके लॉयल कस्टमर थे उनको उन्होंने यूफोन के सेट्स गिफ्ट किए थे, छोटे छोटे नोकिया स्टाइल्स के ना, ग्रीन कलर के पैरेट से कलर के होते थे, जैसे यूफोन के सिम का कलर होता था पहले पैरेट से, अब तो ऑरेंज है ना, पहले उनका कलर इस तरह से हुआ करता था। तो क्या हुआ, वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी जो है ना वो उनको दिया करते थे। तो हम कह सकते हैं टाइम क्या स्पेशल ओकेजन सेगमेंटेशन, बेनिफिट सोर्स, यूजर स्टेटस, यूजेज रेट, लॉयल्टी स्टेटस, बायर रेडनेस स्टेज। ठीक है, उसके बाद है रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशंस। इफेक्टिव सेगमेंटेशंस क्या होता है, ठीक है, ये मेजरेबल होता है, एक्सेसिबल होता है, सस्टेनेबल होता है और एक्शनेबिलिटी होती है। क्या मतलब, मेजरेबल का मतलब है कि उसका जो साइज है, उसकी जो परचेजिंग पावर है, उसकी जो प्रोफाइल ऑफ सेगमेंटेशंस है, कैन बी मेजरेबल। ये ना हो कि उसका जो साइज है ये इतना बड़ा हो, इस मैसिव लेवल के हो कि हम वहां से चीजें भी परचेज ना कर सकें। जैसे आप लोग जाते हैं, कुछ लोग जैसे मेट्रो में जाते हैं या कुछ इस तरह से, तो आपने देखो काउंटर बहुत दूर दूर बने होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि लोगों को उसमें इशू आ रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि परचेजिंग पावर जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से नहीं हो पाती। प्रोफाइल ऑफ सेगमेंट कैन बी मैयर, वो मैयरेबल होने चाहिए, एक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ के मुताबिक होने चाहिए। Accessible means can be effectively reached and served, कि जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे वो easily available हों। ये ना हो जैसे कि brands की shops अक्सर देखी होंगी, हर एक area के अंदर नहीं है। ठीक है, गुल अहमद हो गई, या आप जैसे दीवान हो गया boys का जो होता है, पाशा का हो गया, इस तरह से जो boys के brand हैं वो आप देखा जाए तो specific, आप कोटरा चले जाएँ, पैकेजेस मॉल चले जाएँ, ठीक है, एम्पोरियम मॉल चले जाएँ, आपको वहाँ पर मिलेंगे, आपको स्पेशल लोकल एरियाज में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, इकट्ठे इस तरह से कि आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन हो, आप किस ब्रांड को परचेज करना चाह रहे हो,
ठीक है। तो सबसे पहले जो इफेक्टिव सेगमेंटेशन है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है या रिक्वायरमेंट्स है कि वो इजीली असेसिबल हो, सस्टेनेबल। सेगमेंट्स आर लार्ज और प्रॉफिटेबल एंड रिसर्च। जो सेगमेंट्स बनाए गए हैं वो लार्ज अमाउंट में हो और प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। ये ना हो कि आपने जैसे मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपने ब्रांड्स के आपने वो शॉप्स वगैरह हैं जैसे सारा कुछ है, वो स्पेसिफिक एरिया में ना हो, ठीक है, लार्ज अमाउंट में हो, टारगेट मार्केट लार्ज अमाउंट में हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका प्रॉफिट जो होगा वो इंक्रीज होगा। एक्शनेबल, इफेक्टिव प्रोग्राम कैन बी डिजाइन टू अट्रैक्ट एंड सर्व द सेगमेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी आपका इफेक्टिव सेगमेंटेशन इस तरह की हो कि वो अट्रैक्ट कर रही हो, ये ना हो। अक्सर देखा होगा लोग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स वाले देखें, आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम बैक पे चलें तो पहले ये स्ट्रेटजीज नहीं थी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं थी। रेस्टोरेंट जस्ट जाओ, खाना खाओ, वापस आ जाओ। अब क्या हो रहा है, अब वहाँ पे उन्होंने उनकी सेगमेंटेशंस कर दी हैं, फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए अलग, ठीक है, खेलने के लिए उनके एक साइड पे गार्डन एरिया बना दिया गया है जिसमें बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह होते हैं, ठीक है, मतलब ओपन एरिया भी है, बंद एरिया भी है, पार्टी भी हो रही है सेपरेटली, तो इस तरह से बारबेक्यू अलग से हो रहा है, मतलब इस तरह से उन्होंने अलग अलग पार्टीशन कर दिया एक रेस्टोरेंट में। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जब आपको एक जगह पर मिलती है ना, तो वो क्या करती है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद है मार्केट टारगेटिंग। मार्केट को टारगेट हम तीन तरह से कर सकते हैं, बल्कि यहाँ तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। अभी हमारा चैप्टर रहता है थोड़ा सा, तो हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो अभी हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको मार्केट टारगेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोगों को क्या काम है, आप लोग इस जो भी आपको ये लेक्चर दिया गया है, एक मिनट मैं आपकी असाइनमेंट्स देख लूँ जरा। अच्छा, अब आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों का काम ये है कि आप लोग अपने घरों के इर्द गिर्द कुछ ऐसी मार्केट देखेंगे, जैसे मेट्रो स्टोर हो गया, आपने उनकी डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी है कि उनके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के नेम लिखने हैं और एक मैप बनाना है, ठीक है। कुछ भी जैसे मेट्रो स्टोर है, इस तरह से कोई भी स्टोर अवेलेबल हो जो नियरेस्ट हो आपके घर के पास, ठीक है। बढ़ चुके कोरोना वायरस की वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप गूगल सर्चिंग करेंगे। गूगल सर्चिंग करके आप क्या करेंगे, एक जो प्रिंटिंग पेज होता है उसके ऊपर पेंसिल के साथ स्केचिंग करेंगे सारे बच्चे। जब आप लोग उसकी स्केचिंग कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो स्केचिंग करवाने का पर्पस क्या था। मार्केटिंग टारगेटिंग जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली भी करना आ जाए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग फिर उसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म के क्वेश्चंस आप लोगों को हो उसके बारे में, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मार्केट टारगेटिंग जैसे मैंने आपको लास्ट स्टार्टिंग में जो आपको स्लाइड्स के अंदर आपको पता होगा, मैं बैक एंड पे जाती हूँ, हमने किसी किस चीज़ के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा बेसिकली मैस मार्केटिंग, प्रोडक्ट वैरायटी मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग। अब टारगेट मार्केटिंग मीन्स उसे कि आप किस मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो टारगेट मार्केटिंग है वो जैसे मैंने आपसे कहा, चाइल्ड है, यंग है या ओल्ड एज है, ठीक है। अब वो किस किस तरह से आप कर सकते हैं, उनको इवेल्यूएट किस तरह से करेंगे, फिर सिलेक्ट किस तरह से करेंगे, और फिर किस तरह से चूजिंग अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजीज आप किस तरह से चूज करेंगे, ये सब के सब आप जो है मार्केट टारगेटिंग में करेंगे। और बताने के बाद आप बताएंगे कि आपके लिए या आपके प्रोडक्ट के हवाले से कौन से मार्केट जो है वो बेनिफिशियल है, ठीक है। इवेल्यूएटिंग मार्केट सेगमेंट, इसमें क्या हम बताते हैं, बेसिकली सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ। कि आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको रिसर्च के बारे में बताया था कि कोई भी चीज़ जब आप मार्केट में एक न्यू इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं तो उससे पहले आप कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, वो क्यों कर रहे होते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट कहाँ पे लाई कर रही है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड,
आपका आपके जो कंपेटिटर हैं उनके पास कितने कस्टमर हैं, उनका साइज क्या है। साइज की जब बात हो इट मींस कस्टमर साइज, कस्टमर कितने हैं, कितने अट्रैक्ट करते हैं आपके कंपेटिटर को, ठीक है। आपने उसको किस तरह से टारगेट करना है। उसके बाद आपने करना है सेगमेंट स्ट्रक्चर अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, कि आपका जो सेगमेंट है वो इतना अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी कि कस्टमर को टारगेट कर रहा हो, ये ना हो कि आप जो है अपनी एफर्ट सारी पुट कर दें और बाद में रिजल्ट आपको जीरो मिले। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, आपने बड़े अच्छे तरीके से, बट आपने अपनी स्ट्रेटजीज का यूज़ नहीं किया बैक एंड पे ना। अक्सर लोग होते हैं रेस्टोरेंट बना देते हैं, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बट क्या होता है उस तरह की आउटपुट नहीं मिल पाती। द रीज़न इज़ दैट कि उन्होंने मार्केटिंग इतनी अच्छे तरीके से नहीं की होती। मार्केटिंग का मतलब एक पर्सन एक है, उन्होंने फॉर एग्जांपल आपके यूनिवर्सिटीज वाला जो एरिया है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया जाए, तो क्या वहाँ के लोग ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को अलाउ करते हैं? नहीं करते, बहुत कम विजिट कर रहे हैं। जबकि यही चीज़ अगर आप प्लेस, आपकी लोकेशन अच्छी हो और आप यही लाहौर वाली मेन एरिया में अगर आप बनाएं, तो यू कॉन्ट अज्यूम कि वहाँ पे नंबर ऑफ जो आपके कस्टमर होंगे वो एज कम्पेयर टू देयर लोकल एरिया इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो आपने आपके लिए आपका जो आप जो बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट वो किस जगह पे अट्रैक्टिव है, किस जगह पे आपके जो साइज ऑफ कस्टमर है वो इंक्रीज हो सकता है, तो कुछ आपने इवेल्यूएट करना है अपना प्रोडक्ट जो भी लॉन्च करना है उससे पहले, ठीक है। कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, ठीक है, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज, फिर उसने आप इसके बाद आपने देखना है कि मैंने ये जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं क्या ये मेरे लिए बियरेबल हैं भी सही कि नहीं। कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने एक स्केचिंग कर ली, जैसे मैंने आपसे कहा आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी है मेट्रो स्टोर्स की जो आप नियरेस्ट आपके घरों के होंगे जिसमें पार्टीशन होगी, तो आपने बना लिया। बनाने के बाद अगर मैं आपसे कहती हूँ अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने वो बनाने के बाद आपने क्या आप करेंगे कि उस एरिया में सबसे पहले आप प्लेस ढूंढेंगे, मैंने किस जगह पे करना है, फिर देखेंगे कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई है, अगर है तो उसकी कितनी सेलिंग है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे इट मीन्स मुझे फ़ायदा होगा। जैसे फीस सेंटर की एग्जांपल लें, आप फीस सेंटर में आप चले जाएँ, आपको दो ही तरह की शॉप्स मिलेंगी, दो ही तरह की मिल रही होंगी, लैपटॉप एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज, ऐसे ही है। कोई थर्ड चीज़ आपको नजर आती है, प्रिंटर वगैरह होंगे या जो भी इनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी। क्या मतलब, दुकान के साथ इतनी दुकानें हैं, शॉप्स हैं कि आप देख के हैरान हो जाते हैं कि किसकी शॉप्स, लेकिन सारा दिन वो अर्निंग कर रहे होते हैं, इतने नंबर बायर कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने मार्केट को एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने अपने ऑब्जेक्टिव देखने हैं कि मैं अगर इस एरिया में टारगेट करता हूँ, वहाँ पे किया तो वहाँ पे तो ऑलरेडी इतने पर डे मुझे 1 या 2 बायर्स मिल सकते हैं, तो अब क्यों ना मैं उस एरिया को टारगेट करूँ कि जहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा हैं और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटीज बहुत कम है। क्योंकि ये ऐसी ये प्रोडक्ट है कि जो डेली बेसिस पे ख़राब नहीं होती, बट डेली बेसिस पे ख़राब होती भी है। आप क्या समझ रहे हैं ना, आपका नहीं होगा किसी और पहुँच जाएगा, ठीक है। जैसे डेथ रेट है ना, 2 लाख जो है वो बर्थ रेट है, तो 1.5 लाख पर डे डेथ रेट है, ठीक है। जितने डेली बेसिस पर डेथ होती हैं उससे तकरीबन 1:1 जो होती है बर्थ होती है डेली बेसिस पे। तो क्या आप उस कोई भी काम शुरू करने से पहले बैकएंड पे ऑब्जेक्टिव्स अपने क्लियर करते हैं एंड रिसोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। इवेल्युएटिंग मार्केट सेगमेंट में क्या आता है, सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ, हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आपका ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, आज तक के लिए इतना ही आप पढ़ेंगे, और इसमें से जो जो किसी को क्वेश्चंस होगा मुझसे आप ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।